हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको हेल्प, जहां आप पाते हैं मेडिकल की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन एसिक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल की, जिसमें एसिक्लोफेनिक NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग व पैरासीटामोल एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक ग्रुप से बिलोंग करती है। वीडियो में जानेंगे यह दवा किन किन ब्रांड नेम से मार्केट में आती है, इसके क्या यूज़ हैं, साइड इफ़ेक्ट आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन, व जानेंगे दवा से संबंधित वार्निंग्स की किन व्यक्तियों को इसे नहीं लेना चाहिए, व प्रेगनेंसी व ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आप बने रहिए वीडियो में एंड तक पूरी जानकारी के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यह दवा 100 mg एसिक्लोफेनाक एंड 325 mg पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में आती है, या 100 mg एसिक्लोफेनिक एंड 500 mg पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन के साथ आती है। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे डोलोफ्लेक्स पी, सेकनेक प्लस, एरिनेक.sp, अकोन, AC.P टैबलेट, डोलोकाइन प्लस नामों से मार्केट में आती है। अन्य नामों से भी यह दवा आती है, जो कि एरिया वाइज अलग अलग हो सकते हैं। यह दवा पर स्ट्रिप 10 टैबलेट के पैकेजिंग में आती है, जिसका प्राइस ब्रांड टू ब्रांड अलग अलग होता है। इस कॉम्बिनेशन दवा में NSAID व एनाल्जेसिक एंड एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज़ होने के कारण कई प्रकार के बॉडी प्रॉब्लम्स में इसका यूज़ किया जाता है। एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल दवा का यूज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट पेन यानी शारीरिक जोड़ों में दर्द होने पर, मसल्स पेन के दौरान व साथ ही साथ बुखार आने पर, व बॉडी पेन जैसी स्थिति और हेडेक के दौरान भी इस दवा का यूज़ किया जाता है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन होने पर भी यह दवा यूज़ की जाती है। दवा को यूज़ करने के बाद साइड इफ़ेक्ट जैसे नोज़िया, डायरिया, वोमिटिंग और शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है। ये साइड इफ़ेक्ट कुछ ही व्यक्तियों में देखने को मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने पर डॉक्टर या फार्मासिस्ट से चर्चा करनी चाहिए। ये दवा ब्रेन में उन केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक करके अपना प्रभाव दिखाती है, जो कि पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन का कारण बनती हैं। एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल दवा का यूज़ खाना खाने के बाद यानी आफ्टर मील किया जाना चाहिए, व वयस्कों में इसे पर डे 4 से 6 घंटे के अंतराल में दोहराया जा सकता है, जब तक यह अपना कार्य न कर सके। वह बच्चों में बिना चाइल्ड स्पेशलिस्ट की अनुमति से इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। दवा का सेवन उसी टाइम पीरियड तक करना चाहिए जब तक कि डॉक्टर द्वारा इसे लेने को कहा गया हो। अस्थमा, लीवर, किडनी व हार्ट के मरीजों में इसे यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, या बिना मेडिकल एक्सपर्ट की अनुमति से इन कंडीशन में इसे यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के दौरान भी बिना डॉक्टर की अनुमति से एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल दवा के बारे में। मेडिकल और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।